in previous lecture we discussed about a brief introduction of the rutherford model okay and in this lecture we are going to discuss about the rutherford model in a detail okay so in 1911 rutherford uh, performed the experiment and uh, he named his model nuclear model of atom so rutherford and his student geiger and marstein परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन दैट एक्सपेरिमेंट दे बोमबार्डेड दिन वेरी गोल्ड फॉइल अराउंड हंड्रेड नाइनोमीटर थिकनेस बोमबार्डेड विद द एल्फा पार्टिकल्स क्या किया एक गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है बहुत ही थिं है कितनी है अराउंड हंड्रेड नाइनोमीटर है और इस पर बोमबार्ड कराया क्या एल्फा पार्टिकल्स एल्फा पार्टिकल्स क्या है एल्फा पार्टिकल्स इज बेसिकली न्यूक् ऑफ हीम का जो न्यूक्लिय

से क्या करवाए गए इंसिडेंट करवाए गए बोमबार्डिट करवाए गए ऑन द गोल्ड फॉइल और ये गोल्ड फॉइल क्या थी बहुत ही थिन थी और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली गई क्या सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली गई कि जब कोई पार्टिकल आके टकराएगा तो हमें वहां पर क्या दिखा दिखेगा एक फ्लैश दिखेगा और पोजिशन ऑफ द फ्लैश विल द पोजिशन ऑफ द स्ट्राइकिंग एल्फा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल कहां टकरा रहा है उसकी पोजिशन को कन्फर्म कर देगा तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एक्सपेक्टेशन क्या थी तो अकॉर्डिंग टू द जे जे थॉम्सन मॉडल द होल यूनिफॉर्मली एंड द होल चार्ज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली सो अकॉर्डिंग टू द जे जे थॉम्सन मॉडल देर शुड नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन इन द एल्फा पार्टिकल्स पाथ एंड दे जस्ट गेट स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द

deviation angle is going to be very very small but observation from the experiment was completely different from the expectation the first observation was that most of the alpha particles strike the fluorescent screen at exact position means there uh, there was no deviation of the पाथ यानी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स के पाथ में कोई ही नहीं मिला नहीं सीधे के सीधे निकल गए। अब सीधे के सीधे 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 निकल निकल गए गए अब कोई नहीं है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ठीक है स्लो डाउन भी नहीं हो रहे हैं इसका मतलब फ्री स्पेस है इसका मतलब क्या है फ्री स्पेस है ठीक है ध्यान से नोट करते हुए चलना है कि एक बात को क्योंकि इसके बेस पर ही क्या करेंगे अपन कंक्लूजन लिखेंगे जो कंक्लूजन किसने दिए रदरफोर्ड ने दिए Most of the alpha particle uh, passes through the gold foil without any deviation in their path or without any deflection. Okay, The second observation was that few particles get deflected at small angles. alpha deflected at small angles? small angles deflect? And third observation was that. वेरी फ्यू और यू कैन से फ्यू एल्फा पार्टिकल्स वन आउट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड एल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन था अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वन एटी डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गया यानी कि जिस डायरेक्शन क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया अब सोचो ऐसा क्या था कि वो वापस चला गया क्योंकि अकोर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द डोल्टन एटोमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल तो पास हो जाने चाहिए थे ज्यादा ज्यादा वो स्लो हो जाते लेकिन ये तो वापस लौट गया तो ये जो ऑब्जरवेशन था ये ही क्या था बेस था रदरफोर्ड के मॉडल का सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री ऑब्जरवेशन रदरफोर्ड कंक्लूडेड थ्री कंक्लूजंस एंड द फर्स्ट कंक्लूजन वाज दैट सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफलेक्टेड एट 180 डिग्री एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन होल मास एंड अ वेरी रिपल्सिव फोर्स वेरी रिपल्सिव वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स इज अवेलेबल देयर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वन एटी डिग्री डिफ्लेक्शन कि वन एट्टी डिग्री पर डिफ्लेक्शन uh, तभी हो सकता है जब वहां पर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स हो ठीक है तो क्योंकि अगर सारा का सारा मास भी अगर वहाँ पर आ जाता है तो क्या करेगा भाई ग्रेविटेशन फोर्स लोअ से तो अट्रैक्शन ही होता है तो डिफ्लेक्शन वन एट्टी डिग्री पर यानी अपो इधर सेल्फा पार्टिकल आया अपोजिट डायरेक्शन में तभी जा सकता है जब यहाँ पे कोई रिपल्सिव फोर्स लगाए। अब क्योंकि पार्टिकल क्या है हीलियम का ही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो वो अगर हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम ये कह सकते हैं स्पेस और वॉल्यूम इन एटम कि पूरा का पूरा जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इन अ वेरी स्मॉल स्पेस और रीजन एंड दैट चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वन एटी डिग्री डिफ्लैक्शन ऑफ द इंसिडेंट एल्फा पार्टिकल ठीक है सो दिस वॉज द फर्स्ट कंक्लूजन The second conclusion uh, given by the Rutherford was that electrons are revolving around the uh, nucleus because the positive charge centered uh, region is named nucleus by the Rutherford. So Rutherford uh, give, uh, gave the second conclusion that electrons are revolving in circular orbit around the nucleus and this model is exactly like the प्लानेटरी मोशन ऑफ अवर सोलर सिस्टम एंड इन अवर प्लानेटरी सोलर सिस्टम प्लैनिट्सिप्स बेसिकली ओके लेकिन सिंपली अपने कहते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट लेकिन जो अपने प्लेनेट हैं वो भी इलेप्टिकल ऑर्बिट्स को क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं लेकिन हो ही रहा है कि जितने भी प्लेनेट है वो क्या कर रहे हैं सन के चारों तरफ रिवोल्व कर रहे हैं तो जिस तरीके से प्लेनेट घूम रहे हैं सन के चारों तरफ वैसे ही इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं ये बात किसने कही रेदर ने कही ठीक है तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है स्मॉल रीजन के अंदर दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं थर्ड कंक्लूजन क्या कहा उन्होंने क्योंकि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इट मीन मोस्ट ऑफ द स्पेस मोस्ट ऑफ द्री स्पेस और एम्पटी स्पेस यानी कि मोस्ट ऑफ दी है खाली है तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए तभी तो पार्टिकल सीधे निकल गए इसका मतलब यहां से कंक्लूजन ये दिया रदर फोर्ड ने दट मोस्ट ऑफ दोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज बेसिकली एम्पटी एंड साइज ऑफ न्यूक्लिय पावर माइनस फिफ्टीन मीटर वाइल द साइज ऑफ द एटम इज टेन बेस्ट टू दी पावर माइनस टेन मीटर अब इनके बीच के डिफरेंस को अगर आपको समझना है तो अगर अगर मैं क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल जितना साइज न्यूक्लियस का साइज ले लेता हूँ तो आपको पता है उसका फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो कहा आएगा फाइव किलोमीटर की रेडियस में आपको पता है फाइव किलोमीटर की रेडियस में तो अपन पूरा का पूरा शहर क्या कर सकते हैं पूरा का पूरा एक सिटी कवर कर सकते हैं तो अगर आपके न्यूक्लियस का साइज क्रिकेट के बॉल जितना है तो एटम का साइज कितना हो जाएगा एक सिटी के बराबर हो जाएगा अगर आपके न्यूक्लियस का साइज एक कोइन के बराबर है तो आपके एटम का साइज किसके बराबर हो जाएगा पूरे के पूरे बड़े फुटबॉल ग्राउंड के बराबर हो जाएगा तो यानी कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो एटम के साइज के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम है और इसीलिए एटम के अंदर क्या है मोस्टली फ्री स्पेस है उस फ्री स्पेस की वजह से ही मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए थे पेनेट्रेट कर गए थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास होकर दूसरी तरफ चले गए थे ठीक है अब आप कहोगे कि, कि सर अगर एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी तो हमें चीजें सॉलिड कैसे दिखाई देती हैं और इस क्वेश्चन का जवाब आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं जरूर दूंगा ठीक है क्योंकि अभी अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे तब जाके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तब तक आप खुद पे भी अपने ब्रेन पर थोड़ा सा प्रेसराइज कर सकते हो ठीक है कि यार अगर एटम कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स वी आर रीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम आर मेड अप ऑफ एटम्स आई आशीष शर्मा इज मेड अप ऑफ एटम एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम टू द ऑल स्टूडेंट्स हु आर मेड अप ऑफ एटम्स तो यानी कि एक एटम से बना हुआ इंसान दूसरे एटम से बने हुए इंसान को एटम्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है समझ रहे हो तो सारे मतलब ये कह सकते हैं बहुत सारे एटम मिलकर बहुत सारे एटम्स को एटम के बारे में बता रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना ये चीज अब क्योंकि एटम के अंदर बहुत सारा फ्री स्पेस है तो आप जब मुझे देख रहे हो या मैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो फिर वो आपको सॉलिड नजर क्यों आती है फ्री उनके बीच का फ्री स्पेस नजर क्यों नहीं आता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आने वाले लेक्चर्स में अपन इसकी बात करेंगे ठीक है इस लेक्चर में अपन लास्ट बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल Brother Ford model, पहला ऐसा मॉडल था जिसने सर्कुलर ऑर्बिट का दिया कि electron circular orbit में कर कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां आ अगर circular motion के अंदर कोई भी object motion कर रहा है तो आपको पता है क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर सर्कुलर मोशन में है तो एक्सलेटेड है सर्कुलर मोशन इज बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन एंड अकॉर्डिंग टू द जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एन एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो क्या करेगा एक्सेलेटेड होगा Accelated होगा तो क्या करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा रेडिएट करेगा एनर्जी निकालेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी तो उसका पाथ उसका ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा छोटा हो गया फिर क्या होगा अब लगातार एक्सेलेटेड है, है तो और एनर्जी निकालेगा उसका पाथ कंटिन्यू छोटा होता चला जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा इलेक्ट्रॉन एक स्पायरल पाथ को फॉलो करेगा और स्पाइरल पाथ को फॉलो करता हुआ कहां न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा सो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन टू दिस इज द एक्चुअल कंडीशन क्योंकि अगर ऐसा होता अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर में गिर रहा होता और न्यूक्लियर में गिरने में कितना टाइम लगेगा सब अपन फिजिक्स में कैलकुलेट भी करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर में गिर रहा होता तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करते एटम एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब मैं किससे बना हूं एटम से बना हूं तो आज में कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा होता मैं होता ही नहीं यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता इसका मतलब अदरफोर्ड जो मॉडल है वो यहां पर आकर गलत हो जाता है ठीक है और अदर फोर्ट मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लार्क मैक्सवेल और अगर करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी एनर्जी कम होगी तो उसका ऑर्बिट छोटा होता चला जाएगा और फाइनली वो न्यूक्लियर में गिर जाएगा तो इस हिसाब से तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए लेकिन यूनिवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है आज आप भी हैं मैं भी हूँ ठीक है आपके हाथ में मोबाइल फोन है लैपटॉप है जिसमें आप ये सारी क्लासेस देख रहे हो तो से क्लियर हो जाता है कि रेदर फोर्ड का मॉडल यहाँ पे आके गलत हो जाता है ठीक है अब आगे एटॉमिक मॉडल के अंदर बोर मॉडल uh, आता है और बेसिकली बोर ने पोस्टलेट्स दिए थे न्यूस बोर इज द फुल नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट एंड होल मॉडर्न फिजिक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन दोट्स ओके पोस्टलेट्स का मतलब बस मन में आया कह दिया अब जो स्टेटमेंट आई उन स्टेटमेंट से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो पा रही हैं तो आप उनको पोस्टुलेट कह सकते हो हाइपोथेसिस कह सकते हो लेकिन उनका कोई एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है कोई डेरिवेशन नहीं है इसीलिए अपन उनको क्या कहते हैं बोर पोस्टुलेट्स कहते हैं